जय श्री राम दोस्तों। इस कथा का तो देखिए, आज हम आपको एक और डिजाइन बताने जा रहे हैं। तो ये पहला फंदा उतार लिया हमने, और फिर ये देखिए इन्होंने आगे किया, और फिर एक दो और ये तीन। तो देखिए तीन फंदे उल्टे बन लिए, अब वो पीछे करेंगे और एक। तो देखिए ये सीधी तरफ है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो नौ फंदे हमने सीधे बना लिए। अब देखिए उन आगे करेंगे, और फिर एक दो, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और पीछे करेंगे, और फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब उन आगे करेंगे, और फिर एक दो, फिर उन पीछे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, नौ फंदे सीधे। अब देखिए उन आगे किया, फिर देखें यह हम उल्टी तरफ आ गए। देखिए इसको हम बुन लिए, और देखिए ये दोनों फंदे हमारे उल्टे हैं, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, एक दो। और फिर देखिए ये जो हमारे फंदे हैं ये सीधे हैं, तो इसे हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए तीन फंदे हमने उल्टा बुन लिए। अभी देखिए एक, तो तीन फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम छह फंदे ऐसे बनाएंगे, एक दो ऐसे लपेट के, तीन चार पाँच और ये छह। देखिए छह फंदे हमारे उल्टे बन गए। अब देखिए उन पीछे करेंगे, और फिर ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, और फिर उन आगे करेंगे, और ये तीन फंदे हम उल्टा बुनेंगे। और फिर देखिए और ये जो हमारे छह फंदे हैं इन्हें हम ऐसे लपेट के बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। और फिर देखिए ये दो फंदे उल्टे हैं, तो इन्हें उन पीछे करके सीधा बनाएंगे, उन आगे करेंगे। और देखिए ये नौ सीधे फंदे हैं, तो इसमें हम तीन फंदे ऐसे उल्टा बना लेंगे, और फिर ये देखिए ये छह फंदे हम ऐसे लपेट के बनाएंगे। तीन चार पाँच छ, और फिर देखिए ये इसे हम ऐसे सीधा बनाएंगे। तो फिर ये देखिए हम सीधी तरफ आ गए। अभी हमारे पास उल्टे फंदे हैं, तो एक दो और ये तीन, तो हमारे तीन फंदे उल्टे हैं। अभी देखिए ये उन पीछे करेंगे, और फिर ये सभी फंदों को ऐसे
खोल लेंगे। तो देखिए ये हमने चपाती खोल लिए, और फिर देखिए फिर हम इसे ऐसे करके इसके अंदर से ऐसे इसको ले जाएंगे इधर, और फिर देखिए अब हम इसको ऐसे सीधा बनाएंगे। तो एक और ये दो और ये तो ये तीन, तो ये हमारे तीन फंदे बना गए। अब इसको बनाएंगे चार पांच और ये छह। और फिर देखिए इसको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, एक दो और ये तीन। और फिर आगे करेंगे ये जो दो फंदे उल्टे हैं इन्हें उल्टे बनाएंगे, और फिर देखिए उल पीछे करेंगे, और फिर एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः फंदे उठाएंगे। और देखिए ऐसे करके तीन फंदे इस सिलाई में, तीन फंदे इस सिलाई में, और हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। और फिर देखिए ऐसे एक दो तीन, और फिर इसको भी ऐसे एक दो तीन। तो फिर देखिए ये तीन फंदे हैं, एक दो तीन, और फिर उन आगे करेंगे और ये दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे, उन पीछे एक दो तीन चार पांच और ये छह। तो देखिए इसको हम ऐसे इस पार से उस पार करेंगे, और फिर हम ऐसे इसके सीधा बनेंगे। फिर देखिए इन तीन फंदों को एक दो तीन हम आगे करेंगे, ये दो फंदे सीधा बुनेंगे, फिर इसको सॉरी उल्टा बुनेंगे, और फिर ऐसे। तो देखिए फिर देखिए ये उल्टे फंदे हैं, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, और फिर देखिए ऊन आगे करेंगे, और देखिए ये जो तीन फंदे हमारे इसे हम ऐसे फिर ऐसे करके बना लेंगे, एक दो और ये तीन। तो देखिए जिसमें डिजाइन नहीं पड़ा था वो फंदे हैं, और फिर इसमें से तीन फंदे लेंगे, एक दो तीन। और फिर देखिए इन तीन फंदों को ऐसे बुन लेंगे, अब उन पीछे करेंगे, इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर उन आगे करेंगे, इन तीन फंदों को एक दो तीन, और फिर इसमें से तीन फंदे एक दो तीन। अब इन तीन फंदों को ऐसे पीछे करेंगे,
करेंगे, एक दो तीन, ठीक है। अब फिर इसमें से तीन, एक दो तीन, और फिर देखिए, और इन तीन फंदों को ऐसे उल्टा बुन लेंगे, फिर वो पीछे करेंगे और इन सबको सीधा बुन लेंगे। तो देखिए हम सीधी तरफ आ गए। तो देखिए ये उल्टा है, तो एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे बुन लिए, फंदा पीछे किया, और फिर एक एक दो और ये तीन, देखिए तीन फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर इसको हम खोलेंगे, एक दो तीन, और फिर इसको भी एक दो तीन। तो अब देखिए अब इसको हम ऐसे बुनेंगे, इसको देखिए ऐसे, तो देखिए अब फिर आगे करेंगे, और फिर इसको ऐसे दो फंदे उल्टे बुनेंगे, देखिए फिर उल्टे पीछे किया, तो इसको हम तीन फंदे ऐसे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए इन छह फंदों को ऐसे खोल देंगे, और फिर देखिए फिर हम इन्हें ऐसे करके बनाएंगे। तीन, एक दो तीन, फिर देखिए ऊन आगे करेंगे, और फिर इसे ऐसे उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे इसे ऐसे सीधा। तो देखिए ये इधर से गया है, ये देखिए ये इधर से गया है और ये इधर से गया है, तो देखिए इधर से और इधर से। तो फिर देखिए अब फिर हम वैसे बनाएंगे जैसे हमने पहली बार बनाया था, देखिए ये देखिए अभी इन फंदों को हम ऐसे बुन लेंगे। फिर देखिए अब हम इधर का डिजाइन बनाएंगे ये वाला, तो इसको हम ऐसे लपेट के बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर उन पीछे करेंगे, और फिर इन दोनों को ऐसे बनाएंगे, फिर उन आगे करेंगे, और इसको ऐसे तीन फंदे ऐसे बुन लेंगे, और फिर छह फंदे ऐसे लपेट के बनाएंगे।
तो देखिए ये जो हम सिलाई बना रहे हैं, ये देखिए, तो ये अब हम ए वाला बना रहे हैं। ये जो सिलाई हमारी जा रही है तो ये वाला बनाएंगे, और फिर जो अगली सिलाई जाएगी उसमें हम ए बनाएंगे। तो ऐसे हमारा डिज़ाइन बनते जाएगा, तो हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने फंदे खोल लिए हैं, 6 फंदे। और फिर देखिए इसको हम ऐसे नीचे से ले जाएंगे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे इसको हम नीचे से ले जाएंगे ऐसे करके। और फिर हम इसको ऐसे यहीं से ऐसे बनाएंगे। इसको ऐसे ये देखिए यहाँ एक बना है, और एक यहाँ, अभी एक यहाँ। एक दो और ये 3, तो ऐसे ही बनते जाएगा। तो हम कुछ कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक तरीका और बता दे रहे हैं, देखिए और फिर देखिए ये पीछे किया, फिर इन 3 फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। अभी देखिए इसको ऐसे उतारा, 7 फंदे खोल लेंगे। और फिर देखिए 3 और ये 6, तो देखिए 6 फंदे हमने उतार लिए। देखिए 3 और 6। और फिर देखिए इसको हम ऐसे, देखिए ये 3रा फंदा है, तो इसको हम ऐसे ऐसे बुन के, और फिर इसको ऐसे, फिर देखिए ये 2रा फंदा है, तो इसको भी ऐसे, और फिर ये 3रा फंदा, तो इसको ऐसे करेंगे। देखिए अब ये 3 फंदों को ऐसे बोलेंगे, तो देखिए एक बार और बता रहे हैं, इसको हम ऐसे 3 फंदे सादे बोल लेंगे। आपको देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हम ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं। तो देखिए और फिर देखिए ये 3, देखिए 1 2 3 3 फंदों को छोड़ दिया, और ये 4था फंदा है, तो इसको हम ऐसे करके बुन लेंगे और फिर ऐसे उतार लेंगे। फिर देखिए ये 5वां है, तो इसको हम ऐसे करके ऐसे उतार लेंगे। फिर देखिए ये 6ठा है, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे। और फिर देखिए ये 1ला और ये 2रा और ये 3रा। थैंक यू। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। देखिए इसका बैक है, और ये सीधी तरफ है। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।